हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो पे आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन सीरीज़। तो हमने मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ में बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन सीख चुके थे, ठीक है। कन्वेंशनल मेथड से हम बेसिक फॉर्मूला को कैसे डिराइव करें, ये सारी चीज़ें हम सीखे थे। तो अब हम इंडिविजुअल अगर नंबर्स होते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करें वो भी हम देखेंगे। तो मैंने 5 बता दिया और सीरीज ऑफ 9 बता दिया। तो अभी इस वीडियो पर हम देखेंगे सीरीज ऑफ वंस, अगर 1 का सीरीज होता है तो हम कैसे करें। तो आसानी से वैदिक मैथ मेथड से कैसे करें वो इस वीडियो पर हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पे सीरीज ऑफ वंस में पहला नंबर ले रही हूँ 11, ठीक है। तो 11 को किसी और नंबर से आप आसानी से कैसे सिंगल स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं वो उस चीज़ को देखेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। तो यहाँ पे टू थिंग्स है, एक कैरी कॉम्बिनेशन, एक नॉन कैरी कॉम्बिनेशन। मतलब ये किस कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड बात कर रही हूँ, मैं एग्जांपल लेती हूँ तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला मैं नॉन कैरी समझाऊँगी। सो 3, 2, 1 टाइम्स अगर 11, तो इसे सिंगल स्टेप में कैसे सॉल्व करूँ। तो सिंगल स्टेप में बहुत इजी है, सिर्फ तो फर्स्ट वैल्यू हमें होगा 3 एज इट इज़ हमें लिखना होगा। नेक्स्ट जो वैल्यू है हमें तो एडिशन करना चाहिए 3 को 2 को, 3 + 2 = 5। नेक्स्ट फिर 2 + 1, ठीक है। तो 3, 2 + 1 3 है। तो नेक्स्ट होगा 1 को एज इट इज़ लिखना होगा। तो इसको आप हमारा जो कैरी मेथड है तो उससे भी आप कंपेयर करते हो, क्रिस क्रॉस मेथड है तो उससे आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, वही करते हैं ना हम, पहला क्रिस क्रॉस ए बी का क्रिस क्रॉस करते हैं, उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 3 × 1 = 3 है, 2 × 1 = 2 है, 3 + 2। सो डायरेक्ट हम सिर्फ एडिशन करना होगा, मल्टीप्लीकेशन की कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें वो सेम वैल्यू आएंगी, ठीक है। वही क्रिस क्रॉस मेथड को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं बिकॉज मल्टीप्लायर 1 है, 11 है, ठीक है। सो 4, तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए मैं थोड़ा कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। 4 + 2 = 6। नेक्स्ट 2 + 2 = 4, ठीक है। तो इधर साइड वैल्यू सेम ही लिखना है, 4 और ये वाला 2, क्योंकि हमें वहाँ पे भी डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होगा, राइट। इधर साइड वैल्यू के लिए 4 × 1 = 4, 2 × 1 = 2। तो वही मेथड को मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो आप इसको उस मेथड का थोड़ा एप्लीकेशन समझ सकते हो क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं और थोड़े क्वेश्चंस। ये ऐसा लग रहा है कि 3 डिजिट टाइम्स 2 डिजिट का मेथड, ठीक है। नेक्स्ट 2, 4, 5 टाइम्स 11। तो यहाँ पे आप जो भी देखते हो आप ऐड करते हो तो आप नॉन कैरी वाला वैल्यूज आएंगे, ठीक है। 2, 4 + 2 हमें क्या है, नॉन कैरी 6, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज करके लिखती हूँ, 4 + 2 = 6। नेक्स्ट 4 + 5 भी करते हो, ये भी नॉन कैरी, अगर कैरी कॉम्बिनेशन होता है तो उसको अलग से करना है, ठीक है, उसको बैलेंसिंग रूल अप्लाई करना होता है, ठीक है। इसका आंसर 5 है। तो आंसर है हमारा 2, 6, 9, 5, ठीक है। ये मेथड को आप क्रिस क्रॉस मेथड को कंपेयर कीजिए, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाती है। ऐसे भी मेथड बहुत आसान है बट सिर्फ मैं उन दोनों का ये देख रही हूँ, कंपैरिजन देख रही हूँ बस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले क्वेश्चन। इस बार कुछ कैरी कॉम्बिनेशंस लेके देखते हैं, अगर जहाँ पे 2 नंबर आप ऐड करते हो तो 2 डिजिट आता है तो उसको कैसे करें, और डायरेक्ट स्टेप में नहीं 2 स्टेप में करेंगे हम। 1, 3, 5 अगर आप अच्छे एक्सपीरियंस है तो आप सिर्फ एक ही स्टेप में भी कर सकते हो। तो 1 + 3 = 4, 3 + 5 = 8। यहाँ पे भी कैरी कॉम्बिनेशन नहीं यूज़ करी, मैं प्लेन का ही एग्जांपल ले ली थी। तो 5, 1, 4, 8, 5, ठीक है। नेक्स्ट अभी ले लूँगी कैरी कॉम्बिनेशन का, ठीक है, जहाँ 2 नंबर आप ऐड करते हो तो डबल डिजिट आएगा। तो यहाँ पे सभी सिंगल डिजिट आ रहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब डबल डिजिट आता है तो हमें बैलेंसिंग रूल अप्लाई करना होता है। तो लेट्स सी वन एग्जांपल, 7, 8, 6, ठीक है। आप अगर आप ऑब्जर्व करते हैं आपस में हम नंबर्स ऐड करते हैं तो हमें डबल डिजिट आता है, ठीक है। तो तब कैसे करें,
तो पहला फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर सेम ही आएगा, 7, 6, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट, 7 times 1 and 6 times 1, ठीक है। बाकी जो मिडिल वाली है ये क्रिस क्रॉस मेथड से आएंगे, ठीक है, 7 plus 8 15 है और 8 plus 6 14 है, तो यहाँ पे 6 है। अभी आप बैलेंस ही करना चाहिए, तो 6 को एज इट इज लिखिए, 6 को हम 0, 6 मानिए, ठीक है, 0 है यहाँ पे, 0 को 14 से ऐड करना है, मतलब 4, तो यहाँ पे 1 है, अब हमारे पास 1 को 15 से ऐड करना है, 16, नेक्स्ट 1 है, सो 7 होगा 8। तो ये है बैलेंसिंग रूल, आपको मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताई थी बैलेंसिंग रूल, सिर्फ बैलेंसिंग रूल यूज़ करके हम कैरी कॉम्बिनेशन वाला कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो धीरे धीरे मैं नंबर्स भी बढ़ाते रहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8547 times 11, तो फर्स्ट और लास्ट नंबर वही आएंगे, 8, 7, नेक्स्ट नंबर जब भी हमें ऐड करते हैं तो 2 डिजिट आएगा, सो 8 plus 5 13, तो इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं लिख रही हूँ, तो मैं 2 स्टेप में करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए। 13, 5 plus 4 9, नेक्स्ट 4 plus 7 11, ठीक है, तो इधर 7 रहेगा। जो भी सिंगल डिजिट आता है उसको 2 डिजिट कर दीजिए, 0 अपेंड करके, 7, 1, 10, 14, फिर 8 plus 1 9, ठीक है, हमारा आंसर है 9, 6, 0, 1, 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, (9, 4, 6, 1, 7 times 11) तो अच्छा मैं आंसर लिखी थी क्या, पता नहीं, चलो फिर से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। (9, 5, 4, 6, 7 times 11) तो 9, 7 एज इट इज लिख दो, नेक्स्ट वैल्यूज 9 plus 5 14, नेक्स्ट 5 plus 4 9, 6 plus 4 10, 6 plus 7 13 और 7, तो अभी मुझे बैलेंसिंग करना होगा, 7, 3, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है ऐड करने के लिए, 0 है, नेक्स्ट 11, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 15 है, नेक्स्ट 10, ठीक है, इतना बड़ा आंसर, तो कैसे बढ़े इसको, 1,050,137 है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन मैं और थोड़ा बड़ा नंबर लो लूँगी या छोटा नंबर लूँगी, नहीं बड़ा ही लूँगी, 2, 1, 5, 6, 7, 2, 1, 1, तो 2, नेक्स्ट लास्ट में भी हमें 2 आएगा, यहाँ पे 3, तो मैंने दोनों कॉम्बिनेशन ले ली, 6, 11, 13 और 9, तो फिर से 2 को एज इट इज़ लिखना होगा, तो अभी पहला 2 को लिख लेते हैं,
यहाँ पे कुछ ऐड करने हैं नहीं, तो 9 को भी एज इट इज़ लिख लेना चाहिए। 2 9 3, तो अभी 1 को इधर ऐड करना चाहिए। 11 प्लस 1 12, 2 है, तो 6 प्लस 1 7 है, ठीक है। और कुछ ऐड करने नहीं है तो सभी एज इट इज़ लिख देंगे हम। तो बस यही है आज का कॉन्सेप्ट, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। डोंट फॉरगेट, एज इज़ जस्ट नंबर। हैप्पी लर्निंग।